Hi, my dear students. How are you? I hope you are fine and study continue every day. So, previous classes we have discussed two components of food. That means carbohydrate, proteins, vitamins, minerals. So, today we are going to discuss carbohydrates. Carbohydrates function एंड सोर्सेस, यानी कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन और सोर्सेस को हम लोग समझेंगे. यहाँ देखिए, मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्रोवाइड एनर्जी. यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है. इसलिए एनर्जी गिव्स फूड इसको कहा जाता है, यानी ये ऊर्जा प्रदान करता है. एज फॉर एनर्जी क्या मतलब क्या, और डेली एक्टिविटीज में हम लोग यूज करते हैं वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, प्लेइंग के लिए, स्लीपिंग के लिए, तो इसमें हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी को. कार्बोहाइड्रेट्स किन किन चीज़ों में मिलता है, वेट, राइस, बनाना, पोटैटो, बजरा, मिल्क, चीज, शुगर कैन, ETC. कार्बोहाइड्रेट इन एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, कार्बोहाइड्रेट्स इनमें कंटेंट रहता है, नहीं मिलता है हमको. अब देखिए, टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कैसे किसी फूड आइटम में हम लोग टेस्ट करेंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं है. तो आइए टेस्ट का थ्योरी समझते हैं. टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम टू बी टेस्टेड. छोटा सा फूड आइटम कोई ले लीजिए, उसमें पुट टू या थ्री ड्रॉप्स यानी दो से तीन बूंद आयोडीन सॉल्यूशन मिलाइए. ऑब्जर्व द कलर ऑफ फूड आइटम, उसके बाद देखिए कि उस फूड आइटम का कलर कैसा हो रहा है. इफ द कलर ऑफ फूड ब्लू और ब्लैक कलर, यानी ब्लू और ब्लैक कलर का वो फूड हो जा रहा है, चेंज हो रहा है, तो समझिए कि उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट प्रेजेंट है. जैसे फूड देखिए, यहाँ पे इसका थ्योरी समझाए हैं. फूड आयोडीन सॉल्यूशन मिलाए, उसका ब्लू या ब्लैक कलर हुआ, तो इसका मतलब कि उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है. अब देखिए, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. आइए तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक. अब देखिए, प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. देयरफॉर सो बॉडी बिल्डिंग फूड्स. सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन के सोर्सेस कौन कौन से हैं, प्लांट सोर्सेस, एनिमल सोर्सेस. प्लांट सोर्सेस में आ जाएंगे पल्स, एज फॉर मूंग, मक्का, मक्का चना, बीन्स, सोयाबीन, पीज. रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंटेन इन सोया बीन, यानी सोयाबीन में सबसे अधिक अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है. अब देखिए, इस एनिमल सोर्सेस के द्वारा भी प्रोटीन्स हम भोजन के रूप में, जिन जिन भोजन में मिलता है उसमें देख लेते हैं, मिल्क, फिश, पनीर, एग्स, ये क्या है, इसमें हमें प्रोटीन रिच मात्रा में मिलता है. बट सबसे अधिक रिच मात्रा में किसमें, सोयाबीन. अब देखिए जरा यहाँ पे, टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स, इसकी चर्चा हम लोग कल इसी जोश और उमंग के साथ, यानी इसी साइंस के क्लासेस में हम लोग टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स सीखेंगे और समझेंगे कि किस फूड आइटम में प्रोटीन्स की मात्रा है और किस फूड आइटम में प्रोटीन की मात्रा नहीं है. सो बाय माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं कल फिर इसी टाइम पे और इसी जोश के साथ. और आप लोग इसे राइट डाउन कीजिएगा और रिमेम्बर कीजिएगा, और अपने घर पे सुरक्षित रहिए, मन लगा के पढ़िए. बाय माय डियर स्टूडेंट्स.